हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग व्यापम व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ की विधायिका। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और आपके मन में जो भी सवाल है आप यहां हमें पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या है ए 11, बी 6, सी 5 और डी 13। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 5 है, तो ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन था? ए शेखर दत्त, बी राम नरेश यादव, सी डी एन सहाय, डी कृष्ण मोहन सेठ, ई बलरामदास टंडन। तो दोस्तों, सभी का नाम आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल डी एन सहाय, दिनेश नंदन सहाय थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा प्रश्न, सूची एक जिला को सूची दो विधानसभा सीट की संख्या से कूट के आधार पर मिलाइए। जसपुर 5, महासमुंद 8, रायगढ़ 6, सरगुजा 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों, जसपुर ज़िले में विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, महासमुंद में 5 है, रायगढ़ में 8 है और सरगुजा में 6 है। तो इस प्रकार मैच करना है। द अ ब और स, देखिएगा कौन से कूट में है। तो दोस्तों, ऐसा कूट ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, श्री भूपेश बघेल किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? ए डोंगरगांव, बी कवर्धा, सी पाटन, डी रायगढ़। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र पाटन से निर्वाचित हुए हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। पाँचवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ से प्रथम महिला सांसद कौन थी? ए गंगा पोटाई, बी करुणा शुक्ला, सी मिनीमाता, डी रश्मि देवी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद मिनीमाता थी और इन्होंने 1952 से 72 तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व की है, जिसमें जांजगीर, सारंगढ़ और महासमुंद, ये तीनों क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व इन्होंने की है। छठवां, छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद है? ए कमला मनहर, बी रोजलिन बैकमेन, सी इंग्रिड मैक्लाउड, डी एनाथ। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद इंग्रिड मैक्लाउड है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए 9, बी 12, सी 13, डी निर्धारित नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निम्न सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% हो सकती है, तो 90 का 15% लगभग 13 आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विधानसभा व लोकसभा की सीटें हैं? ए 90 और 11, बी 92 और 10, सी 80 और 8, डी 146 और 16। तो दोस्तों, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नौवां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? ए 5, बी 11, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है, जिसमें SC 1 है, ST 4 है और सामान्य जनरल 6 है, तो इस प्रकार 11 सीटें हैं।
दसवां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद, शहीद वीरनारायण सिंह, मिनी माता डी बिलासा बाई केवटिन। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण छत्तीसगढ़ की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर रखी गई है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर सामयिक विधानसभा अध्यक्ष थे? ए श्री विद्याचरण शुक्ल, बी श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, सी श्री महेंद्र बहादुर सिंह, डी श्री नंद कुमार साय। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री महेंद्र बहादुर सिंह थे और इन्होंने विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाया और विधानसभा के जो अधिवेशन होते हैं, प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी यही करते हैं। वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।